बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट फोर्थ शॉर्ट स्टोरी लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंटोन चेखो इंट्रोडक्शन टू एंटोन चेखो एंटोन चेखो का जीवन परिचय एंटोन पालबुलिच चेखो January 29, 1860 July 15, 1904 एंटोन पाब्लोविच चेखो 29 जनवरी 1860 को रशियन फिजिशियन के रूप में एंड और शॉर्ट स्टोरी श्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में नाटककार के रूप में पैदा हुए थे। ही वॉज द थर्ड ऑफ सिक्स चिल्ड्रन 6 बच्चों में उनका तीसरा नंबर था। हिज फादर वॉज ग्रोसर उनके पिता एक परचून की दुकान चलाने वाले थे। पेंटर कलाकार थे एंड रिलीजियस फैंटिक और धार्मिक कट्टरवादी थे। विद ए मर्क्यूरियल टेम्परामेंट अस्थिर स्वभाव के हु थ्रेस्ड हिज चिल्ड्रन जो अपने बच्चों की पिटाई करते थे एंड वाज लाइकली इमोशनली एब्यूसिव टू हिज वाइफ और भावुकता रूप में अपनी पत्नी के प्रति बदजवान थे भावुकतापूर्वक अपनी पत्नी के प्रति बदजवान थे। चेखो लाइक डिकेंस डिकेंस की तरह चेखो वाज स्ट्रेंजर टू फाइनेंशियल हार्डशिप आर्थिक कठिनाइयों के लिए अजनबी थे एंड इन 1875 और 1875 में हिज फादर टुक द फैमिली एंड फ्लेड टू मॉस्को 1875 में उनके पिता ने परिवार के साथ मॉस्को भाग गए टू एस्केप प्रेडेटर्स ऋणदाताओं से बचने के लिए। चेखो स्टेड बिहाइंड फॉर थ्री मोर ईयर्स टू फिनिश स्कूल चेखो वहाँ पर 3 साल और ज़्यादा अपनी विद्यालय शिक्षा पूरा करने के लिए रुके रहे। ही पेड फॉर हिज ट्यूशन बाई कैचिंग उन्होंने ट्यूशन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की एंड सेलिंग ग्लोड फिंचेस और उन्होंने सोने के सिक्कों को बेचा एंड डिस्पेंसिंग प्राइवेट ट्यूटरिंग लेसन्स और वे व्यक्तिगत ट्यूशन के अध्यायों का वितरण करते थे व्यक्तिगत ट्यूशन पढ़ाते थे एंड सेलिंग शॉर्ट स्केचेज और लघु चित्रों को बेचते थे टू द न्यूज़पेपर समाचार पत्रों के लिए। ही सेंट एनी मनी ही कुड स्पेयर टू हिज फैमिली जो पैसा वो बचाते थे अपने परिवार के लिए भेजते थे इन मॉस्को में। चेखो इज कंसीडर्ड एन एग्जाम्पलर ऑथर इन द जनरी ऑफ रियलिज्म चेखो को एक उदाहरण के तौर पर लेखक के रूप में वास्तविकतावादी विधा में गिना जाता है। ए चाइल्ड फैमिली सेपरेशन थीम प्लेज आउट इन सेवरल ऑफ चेखोव सीरीज बच्चे का परिवार से अलग होने की का सारांश चेखो के बहुत से कार्यों में दिखाई पड़ता है इंक्लूडिंग वंका जिसमें कि वंका द स्लेपी एंड स्लीपी में व्यक्त किया गया है। इन 1879 में चेखो वाज एडमिटेड टू मेडिकल स्कूल चेखो का एडमिशन चिकित्सा विद्यालय में हुआ। ही ज्वाइंड हिज फैमिली इन मॉस्को उन्होंने मॉस्को में अपने परिवार से वो जुड़े। ही अज्यूम्ड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैमिली परिवार के लिए उन्होंने आर्थिक उत्तरदायित्व को महसूस किया एंड व्हाइल अटेंडिंग क्लासेज एट मॉस्को यूनिवर्सिटी में विद्यालय को ज्वाइन करते हुए ही रोट एंड सोल्ड लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमरस स्टोरीज उन्होंने एक बड़ी संख्या में हास्य कहानियाँ लिखी एंड विग्निटी ऑफ कंटेम्प्रोरी रशियन लाइफ और शब्द चित्र समकालीन रूस के जीवन पर उन्होंने लिखा। ही पब्लिश्ड मोर देन 400 शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने 400 से ज़्यादा लघु कहानियों को प्रकाशित किया। स्केचेज
एंड बेग्निटी शब्द चित्रों का चित्रण किया बाई एज ऑफ 26 बाई एज ऑफ 26 20 साल की अवस्था तक। इन 1879 में चेखो मेडिकल विद्यालय में एडमिट हुए। ही ज्वाइंट फैमिली इन मास्को, उन्होंने अपने परिवार मास्को में अपने परिवार से जुड़े। ही अज्यूम्ड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फैमिली, परिवार के लिए उन्होंने आर्थिक उत्तरदायित्व को निभाया। एंड व्हाइल अटेंडिंग क्लास एज मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी, मास्को के राज्य विद्यालय में विद्यालय अटेंड करते हुए। ही रोट एंड सोल्ड, उन्होंने लिखा और बेचा लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमरस स्टोरीज, एक बड़ी संख्या में हास्य कहानियों को। एंड बिग्निटीज ऑफ कंटेम्पोररी रशियन लाइफ, और समकालीन रूस के जीवन पर शब्द चित्रों को उन्होंने लिखा। ही पब्लिश्ड मोर देन 400 शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने 400 ज़्यादा लघु कहानियों को प्रकाशित किया। स्केचेज चित्रों को एंड विग्निटीज और शब्द चित्रों को बाई द एज ऑफ 26 26 साल की अवस्था तक। सम कंसीडर्स, कुछ विचार करते हैं, चेखो टू द फाउंडर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, कि चेखो आधुनिक लघु कहानियों के संस्थापक हैं। एंड हिज इन्फ्लुएंस, और उनका प्रभाव इज ऑब्जर्वड, दिखाई पड़ता है इन डाइवर्स ग्रुप ऑफ राइटर्स, लेखकों के भिन्न भिन्न समूहों में, इंक्लूडिंग फेनर ओ'कॉनर, टेंसी विलियम सॉमरसेट नाम, रेमोंड क्रेवर एंड जॉन कीवर। मोस्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, अधिकतम अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में, अंग्रेजी बोलने वाले लोग नोज हिम, उनको जानते हैं एज ए प्ले राइट, एक नाटककार के रूप में। पार्टिकुलरली बाई सी गल्फ, विशेष रूप से सी गल्फ, अंकल वाइना, थ्री सिस्टर्स एंड चेरी आर्चार्ड के द्वारा। सम पॉपुलर स्टार्टिंग, कुछ प्रिय शुरुआत, पॉइंट्स आउट फॉर शॉर्ट स्टोरी रीडर, लव कहानी पाठकों को संकेतित करती है। इंक्लूडिंग वर्ड नंबर 6, जिसमें कि वर्ड नंबर 6 है, द डार्लिंग एंड ग्यूसअप, द हिंद हंट्समैन एंड द लेडी विद द लिटिल डॉग। ए ड्रेरी स्टोरी इज एन एक्सीलेंट वर्क, ए ड्रेरी स्टोरी एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। ड्यू टू इट्स लेंथ, इसकी लंबाई के कारण, इट हैज बीन क्लासिफाइड, इसको वर्गीकृत किया गया, हियर एज ए बुक, यहाँ पर एक पुस्तक के रूप में। इट इज ऑल्सो वेल नोन, ये अच्छी तरह से जाना जाता है, द अल्टरनेटिव टाइटल, एक वैकल्पिक टाइटल के रूप में, बोरिंग्स स्टोरी, विच इज द टाइटल लिस्टेड इन द शॉर्ट स्टोरी, जिसका कि शीर्षक शॉर्ट स्टोरी के रूप में लिस्ट किया गया है शॉर्ट स्टोरी सेक्शन में, अंडर द नेम एंटोन चेखो के नाम के अंतर्गत। हिमसेल्फ वाज पर्सनली फॉन्ड ऑफ शॉर्ट स्टोरी, जो खुद लघु कहानियों के प्रिय लेखक थे, द स्टूडेंट के। चेखो डाइड इन 1904, चेखो का देहांत 1904 में हो गया। धन्यवाद, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि सेमेस्टर की परीक्षा तैयार कर रहे बच्चों का उचित मार्गदर्शन हो सके, तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सेकंड सेमेस्टर की कक्षाएँ भी इसी चैनल पर इसी प्रारूप में प्रदान की जाएंगी। कृपया आवश्यकतानुसार उसका अवलोकन करें और अपने मार्ग को प्रशस्त करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।